आइए मैं आपको बताऊं, यहाँ टेंस बहुत बच्चे हर जगह कोचिंग में जाते हैं, आप तो आपको टेंस सिखाया जाता है, लेकिन मैंने 20 साल के एक्सपीरियंस से पाया है कि टेंस भी लोग गलत तरीके से पढ़ते या पढ़ाते हैं। टेंस का मतलब इंग्लिश सीखना नहीं होता, टेंस पूरी इंग्लिश का एक छोटा सा हिस्सा है, जिसको अगर हम सही तरीके से सीखें तो हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखें, ज़रा शुरुआत करने से पहले, दो तरह के वर्ब से मिलकर सेंटेंस के वाक्य बनते हैं। जैसे देखिए, इसमें दो वर्ब अंडरलाइन किए हुए हैं, आई एम प्लेइंग, आई विल गो, आई हैव कम्प्लीटेड माई वर्क, आई वॉज प्लेइंग। इसमें दो वर्ब हैं, देखिए, आई एम प्लेइंग, विल गो, हैव कम्प्लीटेड, वॉज प्लेइंग। इससे पहले जब आपने देखा था, विदाउट एक्शन के हमने सेंटेंसेस देखे थे, तो उसमें सिंगल वर्ब का यूज़ हुआ था, जैसे जिसमें दिस इज़ ए कार, आई हैव ए पेन, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, उसमें एक वर्ब यूज। लेकिन टेंस में मोस्टली 98% डबल वर्ब का यूज़ होता है। तो आइए देखें ज़रा पार्ट 1, इसमें हम इस लेसन में हम ये सीखेंगे कि टेंस में जब भी हमें वाक्य बनाने होते हैं तो हमें दो तरह के वर्ब से मिलकर ही टेंस के वाक्य बनते हैं। वो दो तरह के वर्ब्स कौन से हैं? पहला, ये दो पार्ट आपको दिख रहे हैं, पहला है इज़ आर एम, वॉज वर, हैज़ हैव हैड, डू डज डिड, विल, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, एक तरफ ये हो गए। दूसरी तरफ ये देख रहे हैं आप पार्ट 2, वर्ब, जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। अभी तक आप इंग्लिश में ये देखते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, सिर्फ इतना ही जान पाए हैं, लेकिन इंग्लिश में वर्ब की कई सारी फॉर्म्स होती हैं। वर्ब होता क्या है पहले ये जानिए। कई लोगों को कहा जाता है कि वर्ब की पहचान करो, तो कर नहीं पाते हैं। वर्ब का मतलब होता है कोई सा भी वो शब्द जिसमें एक्शन हो, मतलब खाना, पीना, उठना, जाना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये सारे वर्ड्स जो हैं, आना जाना, ये सारे वर्ड्स वर्ब कहलाते हैं, क्योंकि इसमें कोई ना कोई काम है, एक्शन है। तो जो वर्ब जिसे आप फर्स्ट फॉर्म कहते हैं वो सिर्फ वर्ब होता है। उसके बाद सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपने हर बुक में पढ़ी होंगी। वर्ब की सेकंड फॉर्म के बजाय अब आदत डालिए कि आप वर्ब की पास्ट फॉर्म कहें। पास्ट मतलब जो काम पास्ट में होता है उसके लिए इस फॉर्म को यूज़ करते हैं। उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको परफेक्ट फॉर्म कहते हैं, यानी जब काम पूरा हो जाता है सिर्फ उसी लाइन में यूज़ होता है, ये थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने काम कर लिया है तो सिर्फ उसी में यूज़ होगा ये। सेकेंड में जो आपने पास्ट में काम किया उसके लिए यूज़ होगा, जैसे मैं दिल्ली गया था, मैं मार्केट गया था, मैंने शर्ट खरीदी थी, तो उसी में सिर्फ यूज़ होगा। सबसे ज़्यादा जो काम का वर्ब है वो है ये वर्ब, जिसे आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं, यानी कि वर्ब। इसी वर्ब से सेकेंड बनता है, थर्ड बनता है, आई एन जी, ये देखिए वर्ब के साथ आई एन जी, मतलब जैसे प्ले जमा आई एन जी, प्लेइंग, तो एक नया वर्ड बन गया। 2+ वर्ब भी होता है, वर्ब के साथ एस ई सी भी होता है। इसके अलावा और बहुत सारे इसके रूप हैं वर्ब के। सेकेंड और थर्ड फॉर्म जो है वर्ब की, जिसे अब आज से आप पास्ट फॉर्म या परफेक्ट फॉर्म कहेंगे, ताकि आपको आसानी होगी, क्योंकि पास्ट के बहुत सारे वाक्य आप बनाते हैं उसमें काम आएगा, और परफेक्ट के भी बनते हैं। तो थर्ड जो वर्ब की फॉर्म है उसे परफेक्ट फॉर्म के नाम से याद करेंगे तो आपको आसानी होगी, क्योंकि ये परफेक्ट के वाक्यों में यूज़ होता है, और सेकंड जो है ये पास्ट फॉर्म के वाक्य में यूज़ होता है, जिसका सिर्फ एक ही यूज़ है, बाकी कोई यूज़ नहीं है। इनके साथ DID लगता है, तो मैं इसके बारे में और जानकारी दूंगा, टेंसेस में जो वर्ब होते हैं उसके बारे में आने वाली वीडियोज़ में, पहले इसे जाने। तो इस तरह से जब इसको हम मिला देते हैं, जैसे ऊपर देखिए आई एम प्लेइंग दिया हुआ है, तो मैंने आई ले लिया, उसके बाद इज आर एम में से मैंने एम ले लिया, और यहाँ से मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी ले लिया, तो ये क्या हो गया, आई एम प्लेइंग, प्ले के साथ आई एन जी जुड़ गया। ये देखिए प्ले जो है बेसिक वर्ब है, उसके साथ आई एन जी जुड़ा हुआ है। तो इन दोनों शब्द, इस पार्ट 1 को समझना ज़रूरी है, इस पार्ट 2 को समझना ज़रूरी है, दोनों का यूज़ होगा तब हम टेंस सीखेंगे। इससे पहले जो पार्ट 1 सीखा था आपने, जो पार्ट 1 में विदाउट एक्शन वाले सेंटेंसेस सीखे थे, उसमें खाली ये 8 वर्ब यूज़ हुए थे। कौन कौन से 8 थे? सिर्फ ये पार्ट 1 में, इज़ आर एम, वॉज वर, हैज़ हैव हैड, इसमें सेंटेंस हम लोग बिना एक्शन के बनाते थे। तो और अधिक जानकारी के लिए बाकी वीडियोस देखें और आगे की वीडियोस में देखें इससे जुड़ी जानकारी। धन्यवाद।